यूपी के श्रावस्ती में ई रिक्शा की आई बाढ़। ई रिक्शा के चलते लगातार हो रहे सड़क हादसे, 80% ई रिक्शा चालक के पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस और न ही है कोई अनुभव, ऐसे में लगातार हो रहे सड़क हादसे। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थानहा क्षेत्र इकोना इलाके के कैलाशपुर में घर के बाहर खेल रहे लड़के को ई रिक्शे ने टक्कर मार दी, जिससे लड़का चोटिल हुआ। ऐसे में परिजन उसे उसी ई रिक्शा से लेकर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद लड़के के पैर में फ्रैक्चर बताते हुए उसे जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया। श्रावस्ती जनपद के थानहा क्षेत्र इकोना इलाके के कैलाशपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर 9 वर्षीय लवकुश पुत्र लल्लू यादव अपने घर के सामने खेल रहा था, तभी ई रिक्शा ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हुआ और ऐसे में उसे ई रिक्शा के माध्यम से ही लाद कर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद लवकुश की हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर कर दिया। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के कैलाशपुर गांव की यह घटना है, जहां पर घर के सामने 9 वर्षीय लवकुश को ई रिक्शा ने टक्कर मार दी, जिससे लवकुश का पैर फ्रैक्चर हुआ और उसे परिजन ई रिक्शा के माध्यम से ही लेकर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया। परिजन एम्बुलेंस की सहायता से उसे बहराइच लेकर गए। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के कैलाशपुर गांव की यह घटना, जहां पर ई रिक्शा की टक्कर से लवकुश घायल हुआ। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लवकुश का प्राथमिक उपचार किया गया, परंतु पैर में फ्रैक्चर बताते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर किया। परिजनों से लेकर बहराइच रवाना हुए। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के कैलाशपुर गांव की यह घटना, जहां पर ई रिक्शा की टक्कर से लवकुश को गंभीर चोटें आई। कै साल का है? 9 साल। और पापा का नाम क्या है? लल्लू यादव। गांव? कैला। कैसे चोट लगी है? ऑटो रिक्शा से। कहाँ रहा? चुपा। कहाँ रहा? सड़क। मतलब घर के सामने खेल रहा था? हाँ। तो रिक्शा वाला भाग गया? नहीं। वही लेके आया ना?